गुजरात रिफाइनरी के लिए अपनी जमीन खोने वाले वैसे लैंड लूजर्स किसान पुत्र द्वारा न्याय की गुहार लगाते हुए आज हल्ला बोल स्वरूप जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया था। गुजरात रिफाइनरी वडोदरा द्वारा जमीन खोने वाले वैसे किसानों के वारिसदारी को लैंड लूजर प्रथा के तहत रोजगारी से वंचित रखा गया है, जिसको लेकर किसान पुत्रों द्वारा एक बार फिर विशाल जलद आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए आज जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया गया। 60 साल पहले सरकार ने विशाल जमीन की आवश्यकता पैदा होने के बीच कोयले सहित रायका फाजलपुर सहित गाँव के किसानों की जमीन संपादन को आगे बढ़ाया था, जिसको लेकर हर बार जाहिरनामा प्रसिद्ध करने के बाद गांव के किसानों ने गांव की सोने की लगड़ी समान जमीन देश के विकास के लिए किसानों द्वारा दी गई थी। ऐसे में तब गुजरात रिफाइनरी के सत्ताधीशों द्वारा लैंड लूजर वैसे किसानों के पुत्रों को शिक्षण देने के साथ उन्हें गुजरात रिफाइनरी में ही रोजगारी दी जाएगी वैसी तसल्ली दी गई थी। ऐसे में किसान के वारिसदारी को गुजरात रिफाइनरी में बिन शर्ती लैंड लूजर के तौर पर रोजगारी देने का लिखित में तथा मौखिक में घोषित किया गया था। बावजूद अभी तक गुजरात रिफाइनरी के सत्ताधीशों द्वारा तथा अधिकारियों की मिली भगत के साथ जमीन खोने वाले वैसे लैंड लूजर किसान के पुत्रों को चार पेढ़ी गुजर जाने के बावजूद कोई भी रोजगारी नहीं दी गई। साथ ही वे तमाम किसान पुत्रों की हालत काफी दयनीय बन रही है, जिसको लेकर ढेरों बार रजूआत करने के बावजूद कोई भी हल नहीं मिलते हुए अब आंदोलन का रास्ता अपना रहे वैसे लैंड लूजर्स किसान पुत्रों द्वारा आज हल्ला बोल तथा भारी सूत्रोच्चार लगाने के बीच जिला कलेक्टर कचेरी में न्याय की गुहार लगाते हुए आवेदन पत्र दिया था। दोड़का अरे रायका फाजलपुर कोयली अने आजूबाजू करची आजूबाजू गामना लोको 600-700 खेडूतो छे ए अमारे हकनी लड़ाई माटे अहीं कलेक्टर ने आवेदन पत्र अपाया था। जयरे रिफाइनरीए एक्वाड जमीन करी त्यारे एवं कीधुं तुं कि जे भी छोकराओ छे एमने सारूं भणाईशुं, भणाया बाद एमने आईटीआई जे भी भणवानुं होय ए भणावीने भणतर करीने नोकरी आपीशुं। एना बदलामां थयुं शुं, रिफाइनरीए अने आ सरकारे धोखो આપે છે। 60 વર્ષથી જે ભી સરકારો બનતી હોય એમને ધોકો આપે છે। હવે હું ચેતવણી આપવા માગું છું, ખેડૂતો હતી કે 600-700 ખેડૂતના ઘરના લોકો રિફાઇનરીના ગેટે આવીને બેસી જશે, અમારે બેસવાની ફરજ ના પડે એ માટે આ ખેડૂતને ચેતવણી આપું છું કે અમને ન્યાય આપો। જો ન્યાય ના આપવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં ઇલેક્શન ભી આવે છે, તો અમે બતાવી દઈશું કે ખેડૂતની તાકાત શું હોય। આજે કહેવામાં આવે છે ખેડૂત ખુશખુશાલ છે, તમે જો 600-700 ખેડૂતના પરિવાર આજે કેવો દુઃખી છે। આજે આ પરિસ્થિતિમાં કોરોના જે મહામારીમાં અહીંયા આવીને અમારે આવેદન પત્ર આપવા આવવું પડે છે, તો આ ગુંગી બેરી સરકારને કહેવા માગીએ છીએ કે તમે તમારા અધિકારીઓને રિફાઇનરીને કહો કે તાત્કાલિકમાં આનો નિકાલ આવે, ટેબલ મીટિંગ થાય અને તાત્કાલિકમાં ખેડૂતોને ન્યાય મળે એ માંગ સાથે, એ જ અપેક્ષા સાથે અહીંયા અમે ભેગા થયા છીએ અને તમારા માધ્યમથી ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રીને બે હું મેસેજ આપું છું। આપનો પરિચય? કિરણસિંહ રાઠોડ, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય, રાયકા।